नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सम, और यह है पार्ट टू। पार्ट वन अगर जो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पार्ट वन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट टू का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है, पार्ट वन और टू दोनों ही देख लीजिए, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप एज का सम भी आराम से कर सकते हैं, पार्टनरशिप का भी सम आप इजिली कर सकते हैं। अगर जो आप रेशियो चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो कई ऐसे चैप्टर हैं, मिश्रण है, एलिगेशन वाला जो चैप्टर होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो रेशियो को बहुत ही अच्छी तरह से पार्ट वन और पार्ट टू देखिए। एज का सम बताते हैं कि अगर जो आप रेशियो सीख गए तो इसको जिस प्रकार का रेलवे में आता है हम पूरा गारंटी के संग बोलते हैं, पेन आपको नहीं उठाना होगा, पेन को बिना उठाए आप एज का सवाल कीजिएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सम पूरा अच्छी तरह से सीखना होगा, तो इसीलिए हम पहले भी सम बना रहे हैं तो देख रहे हैं आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इसलिए पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझा देते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद बताएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, रेशियो बहुत ही काम के चीज है, ये चैप्टर बहुत ही आपके काम आएगी। 30,000 रुपये को ए बी सी में बांटना है और इस अनुपात में बांटना है। देखिए इस अनुपात का मतलब क्या हुआ कि अगर जो देखिए इनका टोटल कर लेते हैं, यह हुआ 7 और 3 10 5 15। बोलने का मतलब क्या है, अगर जो 15 रुपया किसी के पास है, इन सब का मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है 15 रुपया, तो ए को यह लोग कितना देगा, बी को कितना देगा और सी को कितना देगा, वही है बस रेशियो। ए को मिलेगा 3 रुपया 15 रुपया में, और बी को मिलेगा 5, और सी को मिलेगा 7 रुपया। तो इस अनुपात में बांटा जा रहा है, इसी को कहते हैं रेशियो, कि 15 रुपया का अगर जो बांटना हो तो ए लेगा कितना, 3 रुपया, बी लेगा 5 रुपया और सी लेगा 7 रुपया। अगर जो हम कहें कि प्रॉफिट 15 रुपया नहीं हुआ है, 30 रुपया हुआ है, तो इसी अनुपात में बांटना है, तो 15 की जगह पे प्रॉफिट क्या हुआ, डबल हो गया ना, 30 हो गया। तो कैसे बांटेंगे, इनका डबल हो जाएगा, यह भी डबल लेंगे, यह पाएगा 6 रुपया 10 रुपया और यह 14 रुपया। देखिए कैसे होता है, तो कैसे बांटा जाता है, 30 रुपया को प्रॉफिट को ये लोग किस प्रकार बांटेगा, यहाँ पे पहले हम बता देते हैं आपको 15 वाला हिसाब, तब आप अच्छी तरह से और समझ पाइएगा। चलिए ये लो 15 रुपया कर कैसे पा रहा था, देखिए रेशियो और जो आप समझ जाएगा ना सारा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 15 रुपया पहले ये तो बांट रहा था ना, इस रेशियो में 3:5:7 कैसे बांटा जाता है, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल नीचे लिखेंगे, जितना भी ये रुपया है ये ऊपर होगा, टोटल नीचे होगा। ए को कितना चाहिए रेशियो में, 3, तो 3 रुपया इसका देखिए निकल कर आ जाएगा, 15 से 15 कट गया, 3 रुपया आ गया। बी का भी सेम ऐसा ही करेंगे, 5 है तो 5 ही बचेगा। तो देखिए इस प्रकार करते हैं, अब करते हैं हम लोग 30 वाला, 3, 5 और 7, ए बी और सी, तो ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। अब मान लेते हैं 30 रुपया को बांटना है उसी अनुपात में, तो इनका टोटल करेंगे पहले, टोटल कर कितना हो रहा है, 3 और 7 10 और 5, ये 15 टोटल अगर जो कर रहे हैं इन सबका, तो 15, तो 15 नीचे लिखेंगे, ए को कितना मिलना चाहिए, 3, रेशियो है 3, तो इस तरह करेंगे 15 × 30 = 6। पहले लिखे थे ना यहाँ पे 6 10 और ये 14, देखिए वही आएगा 30 × बी का कितना है, 5, 5 से गुना करेंगे और टोटल आ रहा था इनका 15, देखिए 5 × 15 और 3 से ये काटेंगे 10, आ गया 10। यही है दोस्तों रेशियो, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर जो आप इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो बाकी जितना भी चैप्टर है वो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आप देखते देखते सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 30,000 रुपया अब हमको बांटना है, 30,000 रुपये को कैसे बांटेंगे, इन सब का पहले टोटल, 30,000 रुपया इन सब के टोटल के बराबर है, तो नीचे हुआ 15 डिवाइड कर लेंगे, तो एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। अगर जो 30,000 रुपये हमारे रेशियो 15 के बराबर है तो एक रेशियो का वैल्यू निकल गया, एक रेशियो का जब निकल कर आ गया तो ए का पूछेगा अगर जो 3 से गुना, बी का पूछेगा तो 5 से, और यहाँ पूछ रहा है क्या सी का, तो सी का है तो 7 से करेंगे, 15 से काट देते हैं, 15 × 30
और ये आपका 14,000 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सी को कितना मिलेगा, 14,000 रुपया मिलेगा। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल, जरा सा अलग। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 5,500 रुपये को राम, श्याम और मुकेश, राम, श्याम और मुकेश, मुकेश में बांटना किस अनुपात में, 2 रुपया इसको मिलेगा, 4 रुपया इसको और 5 रुपया इसको, बांटा गया। तो श्याम और मुकेश की रकम का अंतर, देखिए बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, कुछ नहीं, हम रेशियो से ही निकाल लेंगे। अंतर बताना है किसका, श्याम यरा और मुकेश यरा, इनकी रेशियो का अनुपात क्या है, 1 है 4 रुपया। अगर जो इन सबका मान लेते हैं प्रॉफिट कितना होगा, मान लेते हैं ये 2, 4, 6 और ये 5, 11, टोटल 11 रुपये मान लेते हैं इनका इनकम है, तो 11 रुपये में से 2 रुपया पा रहा है राम, 4 रुपया पा रहा है श्याम और मुकेश को मिल रहा है 5 रुपया 11 रुपये में से, तो अंतर कितना हुआ इन सब इन दोनों का, इन्हीं दोनों का तो पूछ रहा है ना, 1 रेशियो का अंतर है, 5 में से 4 अगर जो माइनस कर लेंगे तो 1 आया। इनके रेशियो के अनुपात से ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 रेशियो का अंतर आ रहा है ना, तो कितना रुपया है, 5,500। टोटल कितना निकाले हम लोग, यह रेशियो के बराबर है 6, 5, 11, 11 से डिवाइड करेंगे। पूछा गया क्या अंतर, अंतर हम निकाले हैं 1, अगर जो 5,511 रेशियो के बराबर है तो डिवाइड कर लेंगे, तो 1 रेशियो इक्वल टू आ जाएगा। फिर यहाँ 1 के बारे में पूछा ही है, काट देते हैं 55 और 2 0, 1 से गुना करेंगे तो 500। इसका मतलब क्या हुआ, इनका अंतर वही है। देखिए अगर जो आप निकालते दूसरे तरह से, एक तरह निकाल सकते हैं, हमको पता है जैसे पहले सम में हम बता दिए हैं कि बांटना कैसे, अब बोल रहा है कि श्याम और मुकेश की रकम का अंतर, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, श्याम का कितना है 4, तो पहले हम श्याम का निकालेंगे, सबका टोटल करेंगे 11 × 4 निकाल लेंगे। चलिए किसका है, श्याम का निकालते हैं, यहाँ पे हुआ 5,000 और देखिए कितना हो जाएगा, 2,000। और मुकेश का निकालते हैं, मुकेश का कितना है, 5,500 / 11, मुकेश को कितना मिला है, 5 रुपया, तो 5 से इसको भी करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहां से हम लोग कर लेंगे 2,500। तो अंतर कितना हुआ, अंतर यही हुआ ना 500 का, घटाने पे दोनों में अंतर कितना है, इसको मिल रहा है 2,500, इसको मिल रहा है कितना 2,000, तो 500 का अंतर है, यही आया था। तो बस बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। चलिए अगला सम लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, हम डायरेक्ट क्या किए यहाँ पे, रेशियो से ही माइनस कर लिए हैं, इसका अनुपात हमको उतना ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था। जैसे कि और जो हम लोग बात करते हैं, तो चलिए इसको हम लोग लेज करते हैं, अब आगे सम पे करते हैं, अगला सम देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, किसी धन को ए बी सी में इस अनुपात में बांटा गया, यदि सी को ए से कितना अधिक मिल रहा है, 500 रुपया अधिक मिल रहा है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, ए बी और सी, ए को 4 रुपया मिल रहा है अगर जो, तो बी को 3 रुपया मिलेगा और सी को कितना मिल रहा है, 6 रुपया। बोला क्या है, यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक मिल रहा है, किसको अधिक मिल रहा है, सी को अधिक मिल रहा है, सी को अधिक मिल रहा है किससे, ए से, कितना रुपया, 500 रुपया। अब हम क्या देखेंगे कि रेशियो में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 6 रुपया सी पा रहा है, 4 रुपया पा रहा है ए, तो 2 रुपया अधिक पा रहा है, कौन अधिक पा रहा है, सी पा रहा है, 2 रुपया सी अधिक पा रहा है ना, रेशियो भी 2 ज्यादा पा रहा है और अमाउंट भी 2 ज्यादा पा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 रेशियो का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर जो 2 रेशियो बराबर 500 है तो 1 रेशियो बराबर 250। अब बस देखिए सिंपल है, निकल गया बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 3 रुपया है, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ हुआ 250,
तो आ जाएगा आपका 750। देखिए कितना आसान है ये सवाल, इसको आप कितना इजीली बना लिए, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा ना तो ऐसे ही बनाइएगा सवाल, बहुत ही आसान है। रेशियो सीख गए तो समझिए बहुत सारा चैप्टर आपके बस बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ धन है, किसी धन को ए बी सी में इस अनुपात में बांटा गया, चलिए ठीक है बांटा गया, यदि ए तथा सी के रकम का योग यानी कि ए जितना पाया है और सी जितना पाया है उनका टोटल बी की रकम से 800 रुपये अधिक है। आइए लिख लेते पहले ए बी सी, बिल्कुल रेशियो से इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए ए को अगर जो 2 मिलता है तो इसको 5 मिलता है और इसको 7 रुपया मिलता है। बोल क्या रहा है, ए और सी का योग, तो ए प्लस सी का योग कितना है, 2 रुपया, और ये 2 + 7 = 9। सिंपल, बी की रकम से 800 रुपये अधिक है तो बी का कितना है, पहले ये लिख लेते हैं, चलिए बी का लिख लिए यहाँ पे 5, तो कितना अधिक है, रेशियो हम मिलाएंगे, रेशियो से ही कंपेयर कर कर इसको सोल्व कर लेंगे, तो अगर जो घटा देंगे मान लेते 5 यहाँ लिख देते हैं, ये बी का 5 यहाँ लिख दिए, तो रेशियो हमारा कितना अधिक है, 4, ए और सी 9 है और बी अकेले कितना है, 5, तो ए सी 4 अधिक है ना, रेशियो 4 अधिक है, 4 रुपया अधिक है। तो अब देखते हैं बी की रकम से 800 रुपया अधिक है कौन, ए और सी, 800 रुपये = 4, तो एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ, अगर जो हम डिवाइड कर देते हैं, 800 रुपया अधिक है कौन, ए और बी, और रेशियो भी अधिक है 4, 4 यहाँ 9 हो रहा है ए और सी का मिलाकर, सॉरी ए और सी का मिलाकर 9 हो रहा है और बी है 5, तो ए और सी ज्यादा ही है और रुपया में ये इतना ज्यादा है, रेशियो में ये इतना ज्यादा है, जब दोनों इक्वल हुआ तो एक रेशियो का वैल्यू पता चल जाएगा, अगर जो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 200 आ जाएगा, लेकिन पूछा है किसका, ए का, चलिए यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं 200, 1:200 हुआ, तो ए का कितना है, ए का है 2 × 2, इसका मतलब हो गया आपका 400। देखिए कितना सिंपल है सवाल बनाना रेशियो का, आगे जब हम लोग एज का सम करेंगे ना तो देखिएगा और कितना सिंपल लगेगा एज का सवाल, सिर्फ देख कर ही आप सोल्व कर लीजिएगा जितना भी सवाल है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल, 407 रुपये को ए बी सी में इस अनुपात में बांटना है, अनुपात में बांटा गया तो ए का हिस्सा, देखिए जब भी अभी तक तो हम लोग का जो रेशियो था वो फ्रैक्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, तो जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं और इसको इस तरह से लसे निकाल लेंगे, तो 6, 5, और 4 का लस यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप इस प्रकार भी सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए, तो देखिए 20 अगर जो करेंगे तो 4 से कटेगा और 5 से कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा 6 से, ठीक, तो 6 का ही टेबल अगर जो हम लोग आगे करते जाते हैं तो देखते हैं नहीं कट रहा है 60 तक, तो कोई ऐसा नहीं है संख्या, तो इसका हो जाएगा आपका क्या 60, देखिए 60 से सब कट जाएगा, ठीक है यहाँ पे 6 × 60, तो 60 से सब कट जाएगा, और देखते हैं आप लसक ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6, 2 से 2, 5 और यहाँ पे 3, यहाँ से 2, 1, 5 और 3, तो गुना कर लीजिए, 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20 और 20 × 3 = 60, 60 हो गया। देखिए अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, 4 से 60 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 और यहाँ बचा 2 और 4 × 5 = 20 कट गया, यह 5 से काटते हैं 12 × 5 = 60 होता है और यहाँ पे 10, तो हमारा जो नया रेशियो बनकर आया क्या हुआ, a:b:c = 15:12:10, यह हमारा नया रेशियो आया, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अब यह वाला रेशियो लिखेंगे, सिंपल, तो बस बांटना कितना है, 407 रुपये को बांटना है
तो हम पहले क्या करते हैं, ये टोटल इस रेशियो के टोटल के बराबर होता है, तो कितना हो गया 5 और 2 7 और ये 1 1 1 3 इतना, तो 37। 37 से इसको डिवाइड करेंगे और पूछा किसका, ए का, ए का कितना है 15, तो 15 से गुना कर देंगे। सिंपल, एक रेशियो का जब वैल्यू यहां से निकल जाएगा तो 15 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, आ जाएगा, काटते हैं इसको 1 1 11 बार में। अब 15 का 11 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 165। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर जो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।